हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे IBPS का जो रिसेंटली एक शॉकिंग न्यूज़ आ रहा है। एंड अभी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि रिसेंटली अभी जो PET ट्रेनिंग एग्जामिनेशन होते हैं वो कंडक्ट होना शुरू हो चुके हैं, तो उससे ये चीज़ पता चल चुकी है कि कुछ शॉकिंग चेंजेस IBPS ने RRB के पेपर में इस बार इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो IBPS RRB सेक्शनल टाइमिंग ऐड कर दी गई है। जैसा कि हमने नोटिस में देखा था कि कुछ और चीज़ें अपडेट हो सकती हैं, तो वो फाइनली आउट है। IBPS PO और क्लर्क में अभी तक आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलता था, बट इस बार IBPS RRB में भी बोथ PO प्लस क्लर्क में एक रीसेंट जो अपडेट है वो है रीजनिंग और क्वांट के आपके सेक्शनल टाइमिंग होंगे, जो कि पहले नहीं होता था। आपके पास पहले एक क्यूमुलेटिव टाइम होता था, आपके पास टोटल टाइम होता था, और उस टोटल टाइम में आपको पेपर करना होता था, आपके पास 45 मिनट्स होते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। रीजनिंग में आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे 40 और आपकी टाइमिंग होगी 25 मिनट्स की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपको 40 मिनट्स मिलेगा और आपकी टाइमिंग होगी 20 मिनट्स की। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजिंग है। गेम चेंजिंग इसलिए है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये देख के एकदम डाउट खा जाएंगे कि भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 मिनट्स क्यों, जबकि रीजनिंग में आपको 25 मिनट्स मिल रहा है। सो यहाँ पे पिछले कई सालों से ये देखा जा सकता है कि IBPS रीजनिंग पे काफ़ी फोकस करता है, रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा रखता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि लेवल के हिसाब से यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया गया है। और पेपर में जो टफनेस हमको देखने को मिलेगी वो रीजनिंग में ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये एक एजम्पशन है, ये 100% श्योर चीज़ नहीं है। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा और 45 मिनट्स होंगे। अब जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से आपके पास प्री एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 10-12 डेज होंगे जो अब आपके पास बचे हुए हैं। तो यहाँ फोकस यही होगा कि रैदर देन फोकसिंग कि कौन क्या बता रहा है, कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करना है, आप सिर्फ और सिर्फ मॉक पे फोकस करो। 10 डेज में नया जो पैटर्न आया है उसमें मल्टीपल मॉक्स, तो अपने आप को उसके लिए तैयार करो। शॉक में जाने का टाइम नहीं है आपके पास, शॉक वेव से बाहर आ जाओ और तुरंत अपनी पूरी ताकत एग्जामिनेशन पर लगा दो। जो मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में जो सेक्शनल टाइमिंग है वो है रीजनिंग में आपको जो टाइम मिलेगा 40 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स के होंगे वो 30 मिनट्स देंगे। कंप्यूटर नॉलेज में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स का होगा 50 मिनट्स। तो 40 क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर नॉलेज थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, पढ़ना है, टिक करना है, तो वहाँ पे आपका 15 मिनट्स इज ओके। जनरल अवेयरनेस में भी आपको 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 15 मिनट्स मिलेंगे, दिस इज आल्सो मोर देन इनफ। ठीक है, ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है, आराम से पढ़ के किया जा सकता है। इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 30 मिनट्स, ये भी डूएबल है अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम चीज़ें हैं। हिंदी में भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 30 मिनट्स होंगे, तो ये दोनों ही ड्यूएबल है बहुत आराम से। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम देखें तो आपके पास 40 क्वेश्चंस होगा, 50 मार्क्स होंगे, 30 मिनट्स होगा। तो रीजनिंग का जो 30-30 मिनट्स हमको देखने को मिल रहा है रीजनिंग और क्वांट में, वो थोड़ा सा टफ होगा, जो कि 120 मिनट्स आपको टोटल मिलेंगे। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, टफ होगा टाइम वाइज। लेकिन पेपर का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन हो सकता है, थोड़ा सा लो देखने को मिल सकता है, बट टाइम अब स्पेकुलेशंस का नहीं है। टाइम है कि आप सिर्फ मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो रहा है कौन सा मॉक देना है, कैसे करना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि नया सेक्शनल टाइमिंग IBPS द्वारा क्या है। थैंक यू।